अब मैं आपको फ्रंट फेस एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। जब कभी आपको छोटे फेस बनाने हो तब आपको क्या पॉइंट्स यूज करने हैं। सपोज आपको पूरी बॉडी बनानी, ये तो हो गया जब आपको लाइव पोर्ट्रेट बनाना है, ये सिर्फ फेस फेस बनाना है, ये पॉइंट्स तब यूज होंगे फ्रंट फेस में। जब कभी आपको पूरी बॉडी बनानी है, बॉडी के साथ कोई एक ये फेस बनाना है, सपोज मैंने कोई रेफरेंस सर्च करा, सपोज मैंने गूगल से कोई रेफरेंस सर्च करके एक ह्यूमन फेस का इस तरीके से ये निकाला, ठीक है। अभी हमें पूरी बॉडी बनानी है, तब ये फ्रंट ये पोर्ट्रेट किस पॉइंट से बनेगा वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तब आपको क्या करना होगा, एक सर्कल बनाया, उस सर्कल का ना आप हाफ करेंगे, ठीक है। अब ये जो हाफ सेमी सर्कल है इसको मैं नीचे मार्क करूंगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं इस कॉर्नर से लाइन लेके आऊंगा, यहां पर कनेक्ट कर दूंगा, राइट। अब मैं फेस का हाफ कर दूंगा सेंटर लाइन, और अब मैं पूरे फेस का हाफ करूंगा, तो ये हो गया इधर कुछ, दो टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो ये हो गया हमारा आइज की लाइन, यहां पर बनेगी आइज की लाइन। अब इन दोनों को मैं हाफ करूंगा, इन दोनों को हाफ करूंगा, तो ये हो गया हमारा हाफ एरिया, तो ये हो गया मेरी नोज की लाइन, ये हो गई मेरी आइज लाइन, और ये हो गई हमारी नोज की लाइन, ठीक है। और इन दोनों का अगर हाफ करेंगे तो ये हो गया हमारा लोअर लिप, ठीक है, लोअर लिप हो गया हमारा, जैसे कि इधर ये हो गया हमारा लोअर लिप, ठीक है। और इन दोनों के सेंटर में हो गया आई बोल, इन दोनों के सेंटर में हो गया हमारा आई बोल, ठीक है। तो ये हो गए एक फेस रेडी। अब ये हम यहाँ से हम बाल ऐड कर सकते हैं, आपको जैसे ही बाल बनाने हैं बना सकते हैं। आईज में भी ना इस तरीके से आप दे सकते हो इफेक्ट, आईज का पूरी ऐसे आईज नहीं बनानी, छोटे फेस में सिर्फ एक ऐसे लाइन और ऐसे डॉट, हल्का सा ही फील, इस तरीके फील दे सकते हो। ठीक है, नोज हो गया और लिप्स का भी हल्का हल्का फील, और चाहो तो आप ऐसे दाढ़ी वगैरह बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। अब ईयर बनाएंगे, वही आई से लेके कान तक ईयर, ठीक है। नेक होगी, हल्का शेड करना चाहिए तो आप शेड कर सकते हैं। नेक के पास बताया था, फेस के नीचे नेक के पार्ट पर डार्कनेस रहेगी, ठीक है। इस तरीके से हम फ्रंट फेस को रेडी करते हैं। जब बात करी जाए ऐसे फिगर्स बनाने की, जब कभी आपको पूरी बॉडी बनानी हो तो फेस में इस तरीके से काम करेंगे आप,
तो ये हो गया सिर्फ फ्रंट फेस की बात। ठीक है, आगे चल के मैं आपको साइड फेस बताऊंगा और अलग अलग एंगल्स में किस तरीके से काम करना है वो बताऊंगा। फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आप गूगल से भी रेफरेंस ले सकते हैं, कुछ फ्रंट फेस डालेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ना तो आप ऐसे ह्यूमंस की फेस निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर्कल बनाया, उसका हाफ करा, ऐसे नोज़ वगैरह बनाई, इनके फीचर्स वगैरह इसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है,